नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मांडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं एक बहुत ही हाईली प्रॉफिटेबल एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मैंने जो आप लोग बहुत लोग जानते भी हैं और आप लोग चार्ट में भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकता है और इस्तेमाल करते होगा और आप लोग बहुत सारा वेबसाइट में भी आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन आप लोग को कुछ कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला देना पड़ेगा वेबसाइट में, जो भी शायद आप लोग चार्टिंग में कुछ भी जगह में आप लोग को फार्मूला देना पड़ेगा। तो सोच लीजिए जी का आप लोग बहुत सारा लोग सोच लीजिए एक ये जो सोच लीजिए अगला दिन का कैंडल, अगला दिन का ये जो कैंडल है, तो ये देखिए ये पूरा कैंडल इसको नेक्स्ट डे कैंडल को कंटेन करके रखा है। मतलब इसका हाई अगला नेक्स्ट डे का हाई का नीचे है और जो इसका लो नीचे इसका जो बोलता है मदर कैंडल और पेरेंट कैंडल जो बोल चाइल्ड कैंडल जो बोलता है वो भी बोल सकता है। तो इसमें जो इसको देखिए कंटेन करके रखा है, इसके अंदर रख दिया है। तो ये जब इसका हाई लो जब ब्रेक करेगा तो इधर ये अच्छा खासा मूवमेंट दे देगा। मैंने कहा अगला दिन मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके मैंने कॉल दिया था सिप्ला को और भी कुछ दिया था, उसका लेवल नहीं आया था। महिंद्रा फिनांस, आरबीएल बैंक, उसका जेएसडब्ल्यू स्टील, उसका लेवल नहीं आया था, लेकिन सिप्ला का लेवल आ गया था। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग देख सकते हैं, सिप्ला बाय लेवल 5 इधर से आप लोग चार। तो उसके बाद ये हाई दिया था उस दिन 480 तक, तो उसी का लेवल आया था। और जो इंडसइंड बैंक है उसका भी लेवल दिया था मैंने, उसका भी कुछ प्रॉफिट दिया था, 5-6 पॉइंट प्रॉफिट दिया था। इधर इंडसइंड बैंक मैंने दिया था, इधर इंडसइंड बैंक आप लोग टाइम भी देख सकते हैं कितने बजे दिया था, मार्केट में मैंने स्क्रीनिंग करके ही दिया था। तो इसको मैंने एक्सेल फाइल में पूरा एक पैकेज मतलब आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ कि इसमें आप लोग इनसाइड का बात जो स्ट्रैटेजी है इसका वह ये तो गया है ऑन डे का डेली ऑन डे का चार्ट में, ऑन डे का जो ऑन डे ये कैंडल इसका ये कैंडल ऑन डे का पहले इसका ये कैंडल का अंदर। उसके बाद मैंने टू डेज का भी दिया है, टू डे इनसाइड द बात स्ट्रैटेजी मैंने एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ इधर से देखते हैं क्योंकि देखना पड़ेगा। सोच लीजिए इसको मैंने ऑरोफार्मा का मैंने चार्ट दिखाता हूँ, ये बहुत ही आप लोग हेल्पफुल रहेगा। आप लोग बहुत ही इसके अंदर आप लोग जो लोग ट्रेड करता है बहुत दिन से ट्रेड करता है ये स्ट्रैटेजी आप लोग को पता होगा कि इस सारे लोग इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो क्योंकि इधर सही इसका ऑरोफार्मा का चार्ट ऑरोफार्मा भी एक ही है। देखिए ये इसका पहले वाला कैंडल ये दो दिन का कैंडल ये पिछले दो दिन का कैंडल को कंटेन करके रखा है। ये जो कैंडल आप लोग देख रहा है इसको मैंने बोलिंजर बैंड क्यों लगा है, आप लोग जानते हैं जब बोलिंजर बैंड नैरो रेंज हो जाता है तो इसको बोलिंजर बैंड नैरो रेंज हो जाता है, उसके बाद जब बोलिंजर बैंड मतलब एक्सपेंड होता है इधर से जब इधर जो नैरो रेंज हो गया था इधर जो नैरो रेंज हो गया था उसके बाद जब एक्सपेंड किया है जो बैलून के तरह ये मतलब एक्सपेंड हो जाता है तो इतना बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके ये स्ट्रेटजी बनाया गया है। तो इसीलिए मैंने ये पूरा जो दो दिन का है इसका मैंने सिंपली फार्मूला लगा के मैंने ये स्ट्रेटजी आप लोग भी चार्ट पे चेक कर सकता है इसको मैंने किया हूँ दो दिन का। और NR7 का जो स्ट्रेटजी है वो भी मैंने इधर इस्तेमाल किया हूँ, ये आप लोग देखते सकते हैं। मतलब पूरा पैकेज मतलब वन डे का भी आप लोग स्क्रीनिंग कर ले सकता है, टू डे का भी हिसाब से आप लोग स्क्रीनिंग कर ले सकता है और NR7 और 15 मिनट को जो मैं एक स्ट्रैटेजी है मैंने एक बार दिखाता हूँ जो इंडसइंड बैंक था अगला दिन 15 मिनट का कैंडल। सोच लीजिए अगला वाला कैंडल ये किस टाइम पे हुआ था मेरा याद नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा टाइम 1:25 बजे। तो इधर 1:25 1:30
का बीच में शायद मतलब मैं 1226 1229 के बीच में था ये, और नेक्स्ट वाला कैंडल उसका ऑन डॉट था, तो इसीलिए मैंने दिया था ये 12000। देखिए ये कैंडल, ये वाला कैंडल ना, ये तो 2.5 बजे का हो गया। हाँ अभी तो मैंने इसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, देखना पड़ेगा। तो उसी को कॉन्सेप्ट को मैंने काम पे लगा के इसको देखिए, इधर मैंने बाई अब दिया था 1529, इधर 1529 स्टॉप लॉस दिया था, उधर बाई लेवल तक गया नहीं है, सेल बिलो 1526 तक गया था, और इसके इधर 1518 तक लो गया था उस दिन, उस टाइम 1518 तक ये लोग, 1514 तक तो बाद में आया था, इधर 1518 तक ये आराम से फर्स्ट सिचुएशन में ही आ गया था। शायद ये वाला कैंडल होगा 1:45 बजे, ये वाला सीनारियो तो तैयार हो गया था, लेकिन इधर 1526 सो कुछ भी हो, ये वाला कैंडल होगा, ये वाला कैंडल इसमें देखिए 1529 और 1526 हाई हुआ है, तो इसीलिए मैंने जो लाइव मार्केट में भी आप लोग को अपडेट कर दूंगा 15 मिनट एगो, जो कैंडल नेक्स्ट अगला कैंडल का अंदर रहेगा तो उसमें भी कुछ प्रॉफिट आता है, लेकिन प्रॉफिटेबल मोस्ट प्रॉफिटेबल है रहेगा ये तीनों मोस्ट प्रॉफिटेबल रहेगा। इसमें आप लोग NR7 का स्ट्रेटेजी भी बहुत सारे लोग जानते होंगे कि NR7 जो है तो इसमें 7 दिन का अंदर जो मतलब रह जाता है, तो उसका 7 दिन का नैरो रेंज जब ब्रेक करेगा, तो आप लोग जानते होंगे जो लोग ट्रेड करते हैं बहुत दिन से, और ये लोग मतलब जो लोग टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानता है उसको भी ये बहुत ही काम पे आएगा। ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके आप लोग पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस इस्तेमाल करेंगे तो इसका आप लोग प्रॉफिट में बहुत ही हाईली प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। इधर देखिए हमारा जो बैटरी ये NR7 दिखाता है, तो ये फाइल आप लोग को मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे तो शेयर कर दूंगा, और आप लोग भी मेरा पेशा भी व्हाट्सएप ग्रुप पे, और आज के लिए आप लोग इसको मेरा वेबसाइट में आप लोग को मिल जाएगा। ये देखिए इधर ये जो है देखिए ये सब कैंडल ये कॉम्प्रेस्ड हो गया है, और हमारा जो बैटरी इधर देखिए लास्ट 7 कैंडल जो है इसके अंदर ये रह गया है, इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसका अंदर ये देखिए इसका हाई लो का जो डिफरेंस है 7 दिन का लेटेस्ट हाई लो के साथ, ये लेटेस्ट जो हाई लो है हाई लो का डिफरेंस है वो पिछले वाला 7 दिन का जो हाई लो का डिफरेंस है उसका उससे इसका हाई लो लेटेस्ट जो हाई लो है करेंट जो हाई लो है हाई लो का डिफरेंस है उस करंट हाई लो का जो डिफरेंस है वो पिछले 7 दिन का जो हाई लो का डिफरेंस है उससे कम होगा, और लेटेस्ट हाई लो वो ये अगला दिन का हाई ये अगला दिन का कैंडल के अंदर ही रह जाएगा, मतलब अगला दिन का हाई इसका हाई का ऊपर रहेगा और अगला दिन का लो इसका ये लो का नीचे रहेगा। तो यही है कंडीशन, ये कंडीशन को मैंने लगा के ये NR7 भी स्ट्रेटेजी भी इसके अंदर आप लोगों को सर आप लोगों को के लिए बना दिया है, तो इसीलिए आप लोग को देखते देखिए 1 डे 2 डे और NR7 इधर से आप लोग को मिल जाएगा, और लाइव मार्केट में 15 मिनट एगो का कैंडल इधर से मैंने जस्ट फार्मूला ला के रखा हूँ, क्योंकि ये आप लोग को समझ ही सकता है ये 15 मिनट अगर लाइव मार्केट में ये डाटा डाउनलोड करके देना पड़ेगा, मैंने सीनियर साइट से डाटा डाउनलोड करके देता हूँ, और जो नहीं मिलता है फ्यूचर से आप लोग फ्यूचर से भी देख सकते हैं, फ्यूचर्स भी चेक करके देख सकता है, ये एक ही सीनारियो बन रहा है। तो ये देखिए मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, समझ लीजिए ऑरो फार्मा का, ये ऑरो फार्मा का आप लोग को दिखाया था, ऑरो फार्मा का आप लोग को दिखाया था, ये जो ऑरो फार्मा का जो सिनेरियो बना है ऑलरेडी बन चुका है, इसका जो हाई लो है 474.45 और 463.15, ये जब टूटेगा तो अच्छा खासा मूवमेंट ये जरूर देगा। तो इधर मैंने लाइव मार्केट का एग्जांपल भी मैंने कर लिया आप लोग, और ये जो हमारा जो बैटरी का मैं फीचर्स देखने चाहूँगा तो वो सेम सिनेरियो देगा, तो इसमें आप लोग फीचर्स